हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक कॉइल होता है दोस्तों, जिसके जिसके दोनों एंड पे दोस्तों आपने सप्लाई दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक टैपिंग होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक टैपिंग होती है और इससे आपका लोड कनेक्ट होता है। इन दोनों पॉइंट पे आपका क्या कनेक्ट होता है दोस्तों? लोड। ठीक है दोस्तों, इससे आपने टैपिंग दे रखी होती है और इन दोनों पॉइंट्स पे आपका लोड कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि अगर मैंने नीचे से, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं जीरो है, ये अगर मैं दोस्तों ये जीरो है और ये वन है, तो मैं सम वॉट 0.3 पे देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इस जॉकी को, ये जॉकी दोस्तों ऊपर से नीचे मूव कर सकता है, ऊपर से नीचे। तो देखिए दोस्तों, जब ये जॉकी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा दोस्तों, तो इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा? जीरो। और जब यही जॉकी शिफ्ट होकर पूरा यहाँ पे चला जाएगा तो इस लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? वी। तो इससे इतना तो समझ में आ गया दोस्तों कि अगर ये जॉकी कहीं बीच में है तो जीरो और ये जो मैक्सिमम वोल्टेज भी है उसके बीच का कोई वोल्टेज हमको, अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो हम जीरो से वी सप्लाई तक, ठीक है, इतने तक अपने वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि मतलब हम जीरो रख सकते हैं, 0.2 × V रख सकते हैं, 0.3 × V रख सकते हैं, मतलब हम अपने वोल्टेज को जीरो से वी सप्लाई तक वेरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर के जॉकी को आगे या पीछे करके। चले दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जब मैंने नीचे से 0.3 फ्रैक्शन पे, मतलब अगर मैंने पूरी वाइंडिंग वन फ्रैक्शन की है दोस्तों, तो मैंने 0.3 फ्रैक्शन पे अपना जॉकी रखा हुआ है, तब क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ये पूरी वाइंडिंग मान लीजिए दोस्तों एन की है, एन कॉयल है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस पूरे वाइंडिंग में एन कॉयल है, तो एक कॉयल का अगर मुझे वोल्टेज निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालूंगा? एन कॉयल के ऊपर कितना वोल्टेज है आपका दोस्तों? वी। तो एक कॉयल के ऊपर वोल्टेज कितना होगा दोस्तों? वी बाई एन। 0.3 फ्रैक्शन ले रखा है, तो 0.3 फ्रैक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉयल कितने होंगे दोस्तों? टोटल का मैंने 0.3, तो अगर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ कॉयल एन है, तो अगर मैंने 0.3 ले रखा है तो नंबर ऑफ कॉयल कितना होगा? 0.3 × N, क्योंकि दोस्तों ये क्या, ये फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कितना फ्रैक्शन ऑफ कॉयल ले रहा हूँ, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ कॉयल ले रहा हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं 0.3 फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉयल ले रहा हूँ, 0.3 फ्रैक्शन ऑफ टोटल कॉयल ले रहा हूँ, यानी मैं पूरे टोटल कॉयल का 30% ले रहा हूँ केवल, कंसीडर 30% के ऊपर मैं अपना जॉकी रखा हूँ, तब क्या होगा दोस्तों? कि अगर टोटल नंबर ऑफ कॉयल एन था, तो अगर मैं 30% या 0.3 फ्रैक्शन पे अगर अपना जॉकी रख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ कॉयल कितना आएगा दोस्तों? 0.3 × N। तो एक कॉयल में हमने देखा दोस्तों कि वी बाई एन वोल्टेज है, तो 0.3 कॉयल में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा दोस्तों? 0.3 में हमें मिलेगा वी बाई एन इंटू 0.3 N। तो यहाँ से एन और कैन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, हमें क्या मिलेगा? 0.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें पता नहीं, मैं जितना फ्रैक्शन लूँगा दोस्तों, अगर मैंने फ्रैक्शन एक्स एक्स लिया तो मुझे वोल्टेज आउटपुट कितना मिलेगा दोस्तों? X × V। और ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके 1 तक। ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से लेके 1 तक। जब 0 है तो दोस्तों मतलब आपने कोई भी फ्रैक्शन नहीं लिया, मतलब आपका जॉकी यहाँ पे था, अब 1 है तो मतलब दोस्तों आपका जॉकी यहाँ पे था, और इसके बीच में कहीं भी है दोस्तों, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी? जैसे इस केस में दोस्तों 0.3 थी जब जॉकी यहाँ पे था, तो वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? तो वोल्टेज का आउटपुट हमेशा X × V होगा, मतलब जितना फ्रैक्शन का आप कॉयल कर लेंगे, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू जो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कॉयल जो लेंगे, वोल्टेज होगी फ्रैक्शनल वैल्यू इंटू ये जो वी सप्लाई की वोल्टेज होगी, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर वी लोड, अगर मैं इसको नाम दूँ दोस्तों कि अगर मैं वी लोड निकालूँ इस केस में, वी लोड, तो वी लोड क्या निकल के आएगा दोस्तों? X × V। यहाँ पे एक्स क्या है दोस्तों? कि कितना फ्रैक्शनल ऑफ वाइंडिंग हमने इस पूरे ऑटो ट्रांसफार्मर का लिया है। अगर मैंने 0.30% लिया है तो मैं यहाँ 0.3 लिख दूंगा दोस्तों, अगर मैंने 50% लिया है तो मैं क्या लिखूंगा? 0.5 लिखूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ दोस्तों, अब जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब एक ऐसा काम करते हैं कि इसके क्रॉस हम मोटर को कनेक्ट कर देते हैं और कुछ कैलकुलेशन करते हैं। पिछला केस में हमने ये देखा था दोस्तों कि इस तरीके से आपका ऑटो ट्रांसफार्मर था
और इस तरीके से आपका लोड यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है दोस्तों। और ये वी था और ये आपका वी एल था, ठीक है दोस्तों, ये वी था और ये वी एल था, ये पॉइंट इस तरह कनेक्ट है। और ये दोस्तों अगर मैं क्या नाम दूँ आई, और जो लोड में करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं नाम दूँ दोस्तों आई एल, ठीक है दोस्तों। तो एक बात मुझे पता है दोस्तों कि अगर इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से दोस्तों मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ, वी आई इज इक्वल्स टू आई एल इंटू वी एल, मतलब जितना यहाँ से करंट करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होगा उतना ही यहाँ पे भी करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होगा दोस्तों, आई एल इंटू वी एल, ठीक है। अब जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि जो मैंने लोड कनेक्ट किया है, जो मैंने लोड कनेक्ट किया है उसका इम्पिडेंस जेड है, उसका इम्पिडेंस दोस्तों जेड है। इम्पिडेंस मैंने बोला दोस्तों, तो इसमें रेजिस्टेंस भी आ सकता है, कैपेसिटेंस भी आ सकता है और इंडक्टेंस भी आ सकता है, तीनों बेसिक जो आपके सर्किट हैं वो आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं ऐसा कैसे दोस्तों, तो आपका आपका जो दोस्तों आई एल की वैल्यू निकल के आएगी, अगर इसका इम्पिडेंस जेड है तो आई एल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, आई एल की वैल्यू निकल के आएगी वी एल अपॉन जेड। और मैं वी एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ अपने पिछले वाले नॉलेज के हिसाब से दोस्तों, वी एल की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू वी, ठीक है दोस्तों, एक्स इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वी बाई जेड, वी वी इंटू आई इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको आई एल और वी की वैल्यू मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूँ दोस्तों, आई एल और वी की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये पावर दोस्तों इधर वी इंटू आई दैट इज इक्वल्स टू आई एल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, एक्स वी अपॉन में जेड, एक्स वी अपॉन में जेड, और वी वी एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स वी, ठीक। तो यहाँ से मुझे मेरा जो आई निकल के आया दोस्तों, ये वी से एक, वी से एक भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो आई निकल के आया वो निकल के आया एक्स एक्स स्क्वायर वी वाई जेड, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वी वाई जेड, ये हमारा आई निकल के आया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया दोस्तों और इस पर एक्स फ्रैक्शन पर वाइंडिंग रखी, तो हम देख रहे हैं करंट कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वी वाई जेड, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, करंट ड्रॉन, अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है, आई ड्रॉन, आई ड्रॉन कहाँ से दोस्तों, सप्लाई से। दूसरा केस देखिए दोस्तों, जिसमें क्या होगा दोस्तों कि जिसमें आप इस जेड के इम्पिडेंस को डायरेक्टली इस सप्लाई से रन कर रहे हैं बिना ऑटो ट्रांसफार्मर के, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की सर्किट है, इसके बिना ही आप डायरेक्टली सप्लाई से रन कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये वी होगा और यहाँ पे आपका वो जेड होगा और ये दोस्तों आपका करंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में आई ड्रॉन जेड मैं नाम देता हूँ, ठीक है दोस्तों, आई ड्रॉन जेड, अगर इस केस में मैं आई ड्रॉन जेड निकालूँ दोस्तों तो वो क्या निकल के आएगा, वी वाई जेड, ये वी वाई जेड। तो एक बार का केस देखिए दोस्तों कि जब हमने ऑटो ट्रांसफार्मर का केस नहीं यूज किया था तो आई ड्रॉन कितनी निकल के आई थी, वी वाई जेड, वी वाई जेड को मैं लिख सकता हूँ कि आई ड्रॉन जेड, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ आई ड्रॉन, ये क्या था, आई ड्रॉन था दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में, आई ड्रॉन ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में था, ये एक्स स्क्वायर टाइम किसके केस में हो गया, आई ड्रॉन जेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर मैं किसी लोड को डायरेक्ट रन कर रहा हूँ तो हमारा करंट कितना ड्रॉ होना, आई ड्रॉन जेड, लेकिन अगर किसी लोड को मैं ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ तो जो सर्किट से करंट ड्रॉ हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर टाइम कम हो जा रहा है, कितना टाइम कम हो जा रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर टाइम। जैसा कि हमें देखने को मिला दोस्तों कि अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर टाइम जो ड्रॉन करंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू 0.5 है तो स्क्वायर इसका करेंगे दोस्तों तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो और वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों स्टार्टिंग के लिए हमें यही तो चाहिए था, स्टार्टिंग के लिए दोस्तों हमें यही चाहिए था कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इसीलिए तो यूज करते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट कम हो जाए। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग करंट कैसे कम करता है, एक्स के स्क्वायर टाइम कम कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने एक्स की वैल्यू आपने 0.3 ले रखी है दोस्तों, तो 0.3 के केस में क्या होगा, 0.09, यानी इतने टाइम ये क्या कर देगा, करंट को कम कर देगा दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट किसी लोड को रन करते हैं, या मैं बोलूँ डायरेक्ट अगर मैं मोटर को रन करता हूँ तो इतना करंट ड्रॉ करेगा, लेकिन मैं अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू ड्रॉ करता हूँ तो एक्स स्क्वायर टाइम्स इस करंट का लेस ड्रॉ करेगा। अब जैसे दोस्तों अब करंट ड्रॉ अगर, तो ये हमारे स्टार्टिंग में हमारी मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने तो बस इतना समझा दोस्तों, ब्रीफिंग किया, ब्रीफिंग में क्या दोस्तों रिकैप किया कि आपका ऑटो ट्रांस, उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगले लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करके हम कैसे स्टार्टर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।